हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किचन में चाहे खाना बनाना हो या खाना बनाने के बाद किचन और बर्तन की सफाई करना, दोनों ही बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए ऐसे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। आइए इस किचन टिप्स के बारे में जानते हैं। 10 बेस्ट किचन टिप्स। यदि आप किसी भी सब्जी को गैस बर्नर पर रोस्ट कर रहे हैं तो रोस्ट करने से पहले सब्जी में थोड़ा सा तेल लगा दें। ऐसा करने से सब्जी का छिलका आसानी से उतर जाएगा। कटे हुए कच्चे आलू को थोड़ी देर खुला रखने पर काले हो जाते तो इसके लिए आप आलू को काटने के बाद तुरंत ठंडे पानी में भिगोकर रखें। इससे आलू काले नहीं होंगे। यदि नमक के जार में मॉइस्चराइजर आने की वजह से नमक गीला हो जाता है और नमक आसानी से नहीं निकल पाता तो मॉइस्चराइजर हटाने के लिए नमक के जार में थोड़े चावल के दाने डाल दीजिए। चावल के दाने मॉइस्चराइजर सोख लेते हैं। अक्सर किचन में मीठेपन की वजह से चींटियां आने लगती हैं और कई बार सारे उपाय आजमाने पर भी निजात नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आप खीरे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे का छिलका छीलकर चींटियों वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने पर उस जगह पर चींटियां नहीं लगेंगी। टमाटर के सूप को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए मिक्सी जार में टमाटर के साथ थोड़ा सा ब्रेड का चूरा डालकर मिक्सी चलाएं। इससे सूप गाढ़ा और स्वादिष्ट बनेगा। हलवाई जैसे बढ़िया खस्तेदार समोसे बनाना चाहते हैं तो समोसे का आटा लगाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर इसे समोसे खस्ते और कुरकुरे बनेंगे। अक्सर जब आप कुकर में आलू उबालते हैं तो उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं और फिर उसे कितना भी रगड़कर साफ करें तो वो एक बारी में नहीं होता है। इसके लिए आप आलू उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं। इससे कुकर भी काला नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा। यदि दाल बनाते समय प्रेशर कुकर का सीटी बजते वक्त ढक्कन से बार बार पानी बाहर निकलता है और कुकर के आसपास गंदा हो जाता है तो उसके लिए उपाय अपनाएं। प्रेशर कुकर में दाल को उबलने के लिए रखते समय उसमें स्टील की एक कटोरी डाल दें। इससे दाल उभनेगी नहीं और सिर्फ भाप ही बाहर निकलेगा। अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए। इसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि उबाल आने से पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाती है। अगर दाल का तड़का हल्का फुल्का जल गया हो तो दाल में 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर मिला दीजिए। देसी घी की महक से दाल में जले हुए तड़के का टेस्ट छुप जाएगा और दाल खाने में स्वादिष्ट लगेगी। पूरी के आटे में चुटकी भर शक्कर डालने से पूरियां काफ़ी देर तक फूली हुई बनी रहती है और पूरी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। नमी वाले मौसम में रवा या सूजी जल्दी खराब हो जाता है। इसके लिए सूजी को कढ़ाई में धीमी आंच में 2-3 मिनट भून लें और फिर सूजी को डिब्बे में भरकर रख दीजिए। इससे सूजी जल्दी खराब नहीं होगा। रायता बनाते समय कुछ लोग दही में सारी सामग्रियों के साथ नमक भी डालकर मिला देते हैं। ऐसा करने से कुछ देर बाद रायता खट्टा हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से पहले सारी सामग्रियों को दही में मिलाकर रख लें और फिर परोसें। यदि नींबू का अचार खराब होने लगे तो उसमें थोड़ा सा सिरका डालकर हल्की आंच पर पका लें। ऐसा करने से अचार जल्दी खराब नहीं होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा समय तक खराब नहीं होगा। किसी ग्रेवी वाली सब्जी में अगर नमक या तेल ज़्यादा हो जाए तो उसे निकालने के लिए पहले सब्जी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। सब्जी के ऊपर जो तैर रहा तेल या घी जो जम जाएगा, फिर आप उसे निकाल दें और दोबारा से सब्जी को गर्म करके खाने के लिए परोसें।
सूजी का हलवा बनाते समय उसमें एक चम्मच बेसन मिला दे, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। भिंडी की सब्जी अगर बार बार चिपकी हुई बनती है तो उसमें एक बूंद नींबू का रस मिला दें या एक चम्मच बेसन डालकर मिलाएं, इससे भिंडी का चिपचिपापन निकल जाएगा और भिंडी की सब्जी कुरकुरी भी बनेगी। भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। कोई भी मीठी डिश बनाते समय अगर उसमें एक चुटकी नमक डाल दें तो उससे उसका स्वाद और भी उभर कर आएगा। पूड़ियों को बेलकर फ्राई करने से पहले अगर 10 मिनट फ्रिज में रख दें तो पूड़ियाँ फ्राई करते समय तेल कम सोखेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।